प्रैक्टिस सेशन अच्छे इन्होंने थैंकफुली हमने दो प्रैक्टिस मैचेस खेले जो कि लास्ट लास्ट ओवर तक गए और सबको बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग करने का चांस मिला. सो उससे एक आइडिया होगा कि क्या टीम खेलेगी और क्या बेस्ट 11 है. सबको मैच प्रैक्टिस भी हो गई. मैं हमेशा कहता हूँ कि जितनी मर्जी नेट्स कर लो बट जब मैच का जो प्रेशर होता है जब मैच खेलते हो तभी समझ में आता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो. सो अच्छा है थैंक्स कि इन्होंने हमारे दो प्रैक्टिस गेम्स रखवाए सब टीम्स के तो सब अभी गेट अप है खेलने के लिए. पॉजिटिव है तो होपफुली कंपटीशन वर्ल्ड कप बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि बाकी सारी टीमें भी बहुत स्ट्रांग लग रही हैं. बट बस यार भगवान यही करे कि अंकल जिस तरह से यहाँ से गए हैं उससे में भगवान यही करे कि वर्ल्ड कप हमारे घर में ऐसे ही एकदम से आगे चला 100% आई थिंक इस बार जीत तो अपनी है यार लगता है मेरे को. जीत तो पक्की है. ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. फाइनली एक टेलीविजन लीग के लिए क्या कहते हैं क्रिकेट लीग शुरू हुआ है टेलीविजन एक्टर्स के लिए. एंड आई एम सरप्राइज टू सी दैट यू नो हमें लग रहा था कि टेलीविजन में मे बी हमें 20-22 से ज़्यादा प्लेयर्स नहीं मिलेंगे. बट दिस मैन दिलीप अग्रवाल दी फाउंडर ऑफ ACB इन्होंने ऑलमोस्ट नाना बोल के भी 60-70 प्लेयर्स किए हैं एंड गुड लेवल ऑफ यू नो प्लेयर्स. तो आज आप जब देखेंगे तो यू नो वहाँ पर आपको 1% भी ऐसा लगेगा नहीं कि यू नो कि नए नए खेल रहे हैं या पहली बार खेल रहे हैं. एंड आई एम एसोसिएट विद दिलीप फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. इससे पहले हम हमारी एक टीम हुआ करती थी बॉक्सी बॉयज तब एक हाँ जो हम लास्ट 12 साल से करते आ रहे तो उसमें भी टेलीविजन एक्टर्स ही हुआ करते थे. तो वी स्टार्टेड लिटिल स्मॉल विद वन टीम एंड नाउ इट्स फुल फ्लेज्ड लीग. All the best to Chennai team.